अब आइए थर्ड टाइप में आप देखेंगे जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तब हम लोग सवाल कैसे बनाएंगे। देखो अपोजिट टू ट्रेन्स जिसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव स्पीड, इसके अंदर दो तरह के सम्स आएंगे, सेम डायरेक्शन और क्या बोलिए अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में डिफरेंस ऑफ स्पीड लेना है फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रेन का, तब मतलब यही हुआ ना सेम डायरेक्शन, तो क्या करना है डिफरेंस लेना है, डिफरेंस का मतलब माइनस करना है, क्या करना है माइनस करना है। अब बताइए हमको एक ट्रेन हावड़ा से खुला और मान लीजिए दिल्ली की तरफ जा रहा है, एक ही जगह से खुल रहा है और कितना किलोमीटर का स्पीड से जा रहा है 120 किलोमीटर। दूसरा एक ट्रेन और फिर खुला, मान लीजिए 80 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है, सेम डायरेक्शन है। तो अगर हम आपको बोल दिए बताओ दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो आप क्या करेंगे 120 माइनस 80 तो क्या होगा 40 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर सेम डायरेक्शन रहना है तो आपको क्या करना है स्पीड को सिंपली माइनस करो। और अगर अपोजिट रहेगा तो क्या करना है हमको दोनों के स्पीड को प्लस कर देना है। अब आपको यह भी दिमाग में आ गया बात, कहां पर सिर्फ ट्रेन के लेंथ को लेना है, कहां पर ट्रेन के लेंथ के साथ क्या जोड़ना है। अभी आपको यह भी पता चल गया कि अगर सेम डायरेक्शन में दो ट्रेन भाग के जा रहा है तो दोनों का स्पीड को माइनस करना है, लेकिन अगर अपोजिट आकर जा रहा है, एक जा रहा है और एक आ रहा है, तब हमको प्लस कर देना है। जैसे इसी केस में क्या हो जाता है 120 प्लस 120 क्रॉस करता है, देखते नहीं लगता कितना तेज भाग रहा है, जबकि तेज नहीं भाग रहा है, वो दोनों ट्रेन का हम लोग महसूस करते हैं तब लगता है कि कितना स्पीड हो गया अचानक मेरा ट्रेन, खुश हो जाते हैं। ट्रेन ए और बी एक ही समय में चलना शुरू करता है, अब नहीं कि एक ही समय में शुरू होता है तो एक ही स्टेशन से, यानी दोनों हावड़ा से शुरू नहीं कर रहा है, बोल रहा है ट्रेन ए स्टेशन एक्स से, मान लीजिए यह स्टेशन एक्स है, यहां से शुरू किया चलने के लिए। ट्रेन ए स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई तक, यह देखिए स्टेशन वाई तक इधर से जा रहा है ट्रेन ए, ये कौन सा है ट्रेन ए है, और कैसे चल रहा है 55 किलोमीटर पर आवर इधर से जा रहा है उधर। और ट्रेन बी, एक ट्रेन बी भी है स्टेशन वाई से एक्स की तरफ, देखिए यहां से ये है बी जो इधर आ रहा है, बट कैसे आ रहा है 80 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलता है वो एक घंटा 36 मिनट के बाद एक दूसरे को पार कर लेता है, ये यहां से चला वो उधर से चला, लेकिन एक घंटा 36 मिनट में दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जा रहा है, वो उधर से ये इधर से क्रॉस कर जा रहा है। तो बोलता है स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी कितना होगा किलोमीटर, देखिए कैसे कैसे दिमाग वाला लोग बैठा हुआ है, तभी तो बोलते हैं साइंस वाला है वही है यही सब सोचता रहता है, और कॉमर्स वाला ये सोचता रहता है कैसे सेटल हो जाए जल्दी से, प्रॉब्लम यही है। और वो लोग इसी सब करते करते ना सेटल होने में बहुत टाइम लगा देता है। अभी देखेंगे थोड़ा सा हम यहां पर पढ़ देते हैं इंग्लिश में भी, बोलता है ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट एट द सेम टाइम, ट्रेन ए ट्रेवल्स एट 55 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम स्टेशन एक्स टू स्टेशन वाई, एंड ट्रेन बी जो है वो ट्रेवल कर रहा है 80 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम स्टेशन वाई टू स्टेशन एक्स, दे क्रॉस ईच अदर आफ्टर 1 hour and 36 minutes, व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस मांग रहा है किलोमीटर में स्टेशन एक्स एंड वाई का, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है पहले ये आप हमको बता दीजिए।
ये 1 घंटा 36 मिनट को आप एक काम कीजिए ना, घंटा में कन्वर्ट कर दीजिए, कीजिए जल्दी से। देखिए क्या बोल रहा है सो, यहां तक हम आपको समझा चुके हैं कि स्टेशन एक्स है, एक ट्रेन ए है 55 किलोमीटर से उधर जा रहा है, और एक स्टेशन वाई से बी ट्रेन 80 किलोमीटर से आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए जो स्पीड है दोनों का क्या होगा, प्लस हो जाएगा। हम लोगों ने प्लस कर दिया, प्लस करके 135 लिख दिया। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और बोलता है कि 1 घंटा 36 मिनट में एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो हम टाइम, क्योंकि यहां पर दूरी, दूरी का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस मांग रहा है, तो हम पहले टाइम को 1 घंटा 36 मिनट है तो हम उसको क्या करना पड़ेगा, सभी को या तो घंटा या मिनट में चेंज करना पड़ेगा, तो हम घंटा में चेंज कर लिए, एक का तो एक ही रह गया 36 मिनट, तो 36 मिनट को 36/60 करेंगे क्योंकि मिनट में है, तो इसको हम काट दिए तो 6 हो गया, ये 10 हो गया, तभी बात वही होता, फिर बाद में सब चेंज करना पड़ता क्योंकि यहां किलोमीटर में दिया हुआ है सब, एक्चुअली किलोमीटर है ना, तो देखेंगे तब हमको क्या करना पड़ेगा। और यहां पर आवर में दिया हुआ है ना, सब तो आवर में दिया हुआ है, तो हमको ये जो टाइम है उसको आवर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो देखिए 6/10 एक घंटा, इसको जोड़ा जाता है आप जानते ही हैं, तो 16/10। अब यहां पर कैसे कटाएंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं, इतना से इतना बड़ा इंटू करने के लिए चिंता मत कीजिए, 16 से कीजिए, ये 10 भूल जाइए, 16 × 5 कितना हो गया, 16×5 = 80, 8 48 और 8 16 और 5 ये कट गया 216 आंसर हो गया। टू कार्स ए एंड बी ट्रेवल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी एट स्पीड ऑफ 60 km/h एंड 108 km/h इफ कार बी टेक्स 2 hours लेस, 2 घंटा कम लेता है टाइम देन कार ए फॉर द जर्नी, देन व्हाट इज द डिस्टेंस किलोमीटर बिटवीन टू सिटीज। हम लोगों ने लेट कर लिया जी, दो सिटी एक्स एक्स और वाई, कार ए 60 किलोमीटर से जा रहा है, कार बी 108 किलोमीटर से जा रहा है, इसका स्पीड ज्यादा है तो यहां पहुंचने में कम समय लगेगा, इसको ज्यादा लगेगा, नो डाउट। अब आप समझ रहे हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन है, तो बोलता है कि दोनों शहर का बीच का दूरी कितना होगा, एक्स मान के तो बनाया ही जा सकता है, लेकिन ऐसे सवाल जब दो कार या दो ट्रेन या दो बस एक तरफ जाएगा एक सिटी से दूसरे सिटी में, तो हमेशा ऐसे ही सवाल पूछता है, करना कुछ नहीं है, स्पीड इंटू स्पीड, पहला का स्पीड दूसरे का स्पीड इंटू जितना बोलेगा, 2 घंटा कम बोल रहा है तो 2 घंटा, 3 घंटा बोलेगा तो 3 घंटा, जितना भी बोलेगा। अब बोलेंगे सर अगर 1.5 घंटा बोलेगा तो उसको कवर कर देना, यहां पर 2 घंटा कम बोल रहा है, नीचे हमेशा क्या करेंगे डिफरेंस, क्योंकि सेम डायरेक्शन है तो डिफरेंस, डिफरेंस कितना होगा कटा दो, कि सेम डायरेक्शन रहेगा, चाहे ट्रेन हो बस हो कार हो कुछ भी हो, आप दोनों का स्पीड ले लेना और जितना यहां पर बोलेगा कम लग रहा है उसको ले लेना, नीचे में डिफरेंस ले लेना, कटाओ कितना आ रहा है बोलिए 270। आप बोलेंगे सर कैसे कटाएंगे, अरे कटाना क्या, ये तो गया कटा दो ना, कितना से कटेगा 16 / 48 वहां पर कट जाएगा, ठीक है तो 270।